हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जो थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर केन्स ने किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम जो सीरीज यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर, हमने फर्स्टली यहाँ पे डिस्कस किया था बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली होते क्या है और उनके जो फ्लक्चुएशन आते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये हमने फर्स्टली हमारा जो स्टार्ट वाला वीडियो था बिजनेस साइकिल के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि जब यहाँ पे उसके कंट्रोल क्या होंगे बिजनेस साइकिल के अंदर, वो आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इसी के साथ हमने एक्सप्लेन भी किया है कि सैमुएलसन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली क्या कहता है और हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल एग्जैक्टली हमें क्या कहता है। सैमुएलसन ने अपने इस कॉन्सेप्ट में इंटरैक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर इसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया था, तो हिक्स ने अपनी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर कंबाइनली मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं। जो इजीली अवेलेबल बिजनेस साइकिल सैमुएलसन हिक्स इनके जो कॉन्सेप्ट है हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया है, जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट पे। आज के इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि केन्स की जो थ्योरी है बिजनेस साइकिल के अंदर किस तरह से वर्क करती है, और आने वाली वीडियो में हम कार्लडोर्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल और गॉडविंस थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे केन्स अपने बिजनेस साइकिल के बारे में देते हैं, जो सैमुएलसन और हिस से भी पहले यहाँ पे केन्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो ऑब्वियसली हम देखें तो ये थ्योरी जो बनती है बिजनेस साइकिल की, जो ये थ्योरी हमें देते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक जेम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स इनका पूरा नाम है। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स में ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते भी है और जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स ऑफ द 20th century माने जाते हैं। उसी के साथ जो उनकी आइडियाज़ है बिजनेस साइकिल को लेके, या कहे कई उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू है जो स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ केन्शियन इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम उन्हें पहचानते हैं। उसी के साथ हम उन्होंने जो दिया था ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में आया था, इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन के बाहर आने के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट अपने कॉन्सेप्ट को दिया, और किस तरह से इम्पोर्टेंट इफेक्टिव डिमांड किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और अपनी इस कॉन्सेप्ट से ही उन्होंने ये जो ग्रेट डिप्रेशन बाहर आने के साथ साथ ये सोल्यूशन दिया था, जो इतने इम्पोर्टेंट केन्स बनते हैं, जो पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे इकोनॉमिक्स एक तरफ और केन्स एक तरफ, इस तरह की सिचुएशन इतने महान और ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स जेम केन्स रह चुके हैं। उनका बॉर्न हुआ था 1883 में, उनकी डेथ 1946 में हुई थी। उनकी फील्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी में हुई थी। उनकी कंट्रीब्यूशन जो हमें मिलती है बहुत, उनका लार्जेस्ट इनका स्केल रहा है इकोनॉमी के अंदर। उनके लाइफ टाइम में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिए थे उनमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, केन्शियन इकोनॉमिक्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मल्टीप्लायर इफ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को भी हम पहचानते हैं, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपने पूरी कॉन्सेप्ट में डिमांड साइड को ही प्रेजेंट करते हुए दिए हैं, जहाँ पे जिस तरह से का जो लॉ कहता है वो सप्लाई पे बेस करता था, तो केन्स अपने इस मॉडल में पूरी तरीके से डिमांड साइड को इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। उनकी जो फेमस बुक रही है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी, और इसी से ही उनकी सभी कॉन्सेप्ट को हमें, उनकी एग्जैक्टली आइडियाज़ जहाँ से हमें मिलते हैं, इसी बुक से ही हमें उनकी सभी आइडियाज़ हमें मिलती है। केन्स की बिजनेस साइकिल इस कॉन्सेप्ट को या हमें ये थ्योरी को हमें समझने से पहले उनके जो बेस है कुछ अजम्पशन को लेके ही केन्स ने इस मॉडल को डेवलप किया है, और ये अजम्पशन किस तरह से है इनमें जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अजम्पशन इस तरह से है, उनका फर्स्ट यहाँ पे अजम्पशन है इकोनॉमी एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। केन्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट में मल्टीप्लायर इस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो एक्सपेंशन होगा इकोनॉमी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर के वजह से ही होता है। तो ये मल्टीप्लायर क्या होता है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है।
सेकेंड पॉइंट अजम्पशन बनता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल कॉसेस ऑफ द ट्रेड साइकिल। केन्स अपने इस कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि जो इंटरनली जो अवेलेबल है रिसोर्सेस है होंगे, या हम कहें कि जो लेबर होंगे मशीनरी होंगे, ये इजीली अवेलेबल होगा, इनको ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जहाँ पे इंटरनली जो फैक्टर्स है इनसे ही यहाँ पे ट्रेड साइकिल को फ्लक्चुएशन होने में हेल्प होती है। थर्ड जो बनता है इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्जिनल इफिशेंसी ऑफ द कैपिटल इन ट्रेड साइकिल। सेकेंड जो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे केन्स अपने इस मॉडल में देते हैं, जो MEC जो मार्जिनल इफिशेंसी ऑफ कैपिटल है, जो ट्रेड साइकिल को फ्लक्चुएशन देने में और भी हेल्पफुल होती है, जहाँ से मल्टीप्लायर को और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे साथ MEC देती है, जो मार्जिनल इफिशेंसी कैपिटल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है फोकस ऑनली प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट को ही कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस बेस पे ही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कितना होगा, इससे ही प्रॉफिट यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे एंटरप्रेन्योर करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नो टाइम लाइक इन द मल्टीप्लायर प्रोसेस। केन्स कहते हैं कि जब यहाँ पे मल्टीप्लायर का यहाँ पे प्रोसेस वर्क करता है, तब यहाँ पे टाइम लाइक ये सिचुएशन नहीं होती है, कंटिन्यूसली उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। केन्स यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं। लोगों की यहाँ पे कंजम्पशन करने की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी होती है, इसको इसमें किस भी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं, जो कांस्टेंट माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है नो फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होती है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये कंडीशन केन्स बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अवेलेबल इजीली नेचुरल रिसोर्सेस। केन्स कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल है, बस उन्हें यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इजीली अवेलेबल यहाँ पे किसी भी कंट्री के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट गुड प्राइस। गुड्स के जो प्राइस होते हैं एक कांस्टेंट होते हैं, इनमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो इम्पोर्टेंट है, क्लोज इकोनॉमी को मानते हैं केन्स। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, क्लोज इकोनॉमी के अंदर ही ये वर्क कॉन्सेप्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फुल कॉम्पिटिशन इन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर फुल कॉम्पिटिशन कंडीशन को यहाँ पे माना गया है। केन्स अजम्पशन बेस करता है थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट अ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। केन्स अपने हर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे इकोनॉमी के अंदर, उसको सॉल्यूशन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही उनका सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है थ्योरी वर्क ऑन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट जो केन्स देते हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट वर्क करती है, ना कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है वेरिएबल इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वेरिएबल माना गया है कि ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट होगा ये वेरिएबल होगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इनमें चेंजेस होते रहेंगे, इस तरह से अजम्पशन पे बेस ही करती है केन्स की थ्योरी बिजनेस साइकिल। और आगे देखेंगे कि उनके मेन जो पॉइंट यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन केन्स बिजनेस साइकिल किस तरह से है, और इस पे ही पूरी बेस करती है केन्स की बिजनेस साइकिल। हमारा मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है, जो थ्री इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द केन्स इन बिजनेस साइकिल को मानते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, सेकेंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ द कैपिटल, और थर्ड मल्टीप्लायर। इन तीन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल और फ्लक्चुएशन इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे तीन इस इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आते हैं, जहाँ पे सैमुएलसन मानते थे कि इंटरेक्शन होगा बिटवीन मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के बीच में, तब यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन आते हैं। हिग्स का मानना था कॉम्बिनेशन मानते थे कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, इनके बीच जब कॉम्बिनेशन के साथ साथ किस तरह से फ्लक्चुएशन आते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर, बट इनसे डिफरेंट जो उन्होंने केन्स ने इनसे भी पहले ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। इनका मानना था प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांड, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल और मल्टीप्लायर, इन तीनों का यहाँ पे जो रोल होता है, इससे ही बिजनेस साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं और इसके वजह से ही इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है।
तो हम देखेंगे कि ये तीनों भी पॉइंट किस तरह से हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। हम ये मानते ही है कि जब केन्स का जो जितना भी थेरी है ये हमें एक्सप्लेन करता है डिमांड साइड को, या डिमांड साइड को इकोनॉमिक्स को मानते हैं केन्स, तो हमें यही कहते हैं कि जो केन्स ने डिमांड साइड को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, डिमांड बढ़ेगी तभी तो इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ही कंट्री की इकोनॉमी, या हम कहें कि इनकम नेशनल बढ़ती है। तो ये प्रिंसिपल इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जिस तरह से उन्होंने इफेक्टिव डिमांड ये सिचुएशन कहने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ये बढ़ाना है तो ये डिपेंड होता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड के वजह से। अगर इफेक्टिव डिमांड इसमें कमजोरी आती है, या हम कहें वीक होता है, तो उसका इम्पैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस कंट्री के अंदर इफेक्टिव डिमांड इस सिचुएशन को यहाँ पे फोकस करना होगा। जो इफेक्टिव डिमांड ये इम्प्रूवमेंट करता है टोटल एक्सपेंडिचर, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता बढ़ाता है, और टोटल प्रोडक्शन उस कंट्री की बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से इफेक्टिव डिमांड को यहाँ पे केन्स अपने कॉन्सेप्ट में इम्पोर्टेंट मानते हैं, जहाँ पे उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इम्पोर्टेंट दिया था। तो इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, इफेक्टिव डिमांड एक्सप्लेन करती है सी प्लस आई। केन्स के बाद कई इकोनॉमिक्स इन्होंने गवर्नमेंट का भी रोल इम्पोर्टेंट देते हैं, और इसके वजह से फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ऐड किया गया, जो इफेक्टिव डिमांड जो केन्स के बाद इस कॉन्सेप्ट में जी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसे ऐड किया। बट केन्स ने हमें जो इफेक्टिव डिमांड हमें एक्सप्लेन किया है, जो ईडी इज इक्वल सी प्लस आई, जहाँ पे ईडी इफेक्टिव डिमांड, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों से इम्पोर्टेंट रोल जब निभाती है और उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड इस कॉन्सेप्ट को उस कंट्री की ग्रोथ और नेशनल इनकम बढ़ाने में हेल्प करती है। जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोग और भी डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे केन्स ने इम्पोर्टेंट दिया है, जहाँ पे मल्टीप्लायर के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट में और भी इन्वेस्टमेंट होगा और लोगों की ग्रोथ होने में इम्पोर्टेंट इफेक्टिव डिमांड देती है। इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब यहाँ पे केन्स ने कहा है कि लोगों की इनकम है, इनकम में से मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे कंजम्पशन, और जो बचता है वो जो सेविंग होता है, ये सेविंग पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट की जाती है, और ये एस जो होता है सेविंग, यही सेविंग यहाँ पे कन्वर्ट होती है इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है, लोग सेविंग कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और लोगों को और भी अच्छी डिमांड, इफेक्टिव डिमांड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती है। जी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, लोग स्टक हुई जो इकोनॉमी है इसको अगर ग्रोथ देना है तो उस कंट्री की गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे इन शॉर्टली जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड है, ये सी प्लस आई प्लस जी, इन तीन इम्पॉर्टेंट रोल को यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है, और किस उस कंट्री की जो नेशनल ग्रोथ है उस बढ़ने में हेल्पफुल होती है। सेकेंड हमारा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मानते हैं केन्स, उसे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल मानते हैं, जहाँ पे उसे MEC से भी इंडिकेट करते हैं। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ए एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसे कहते हैं कि जब एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उस समय इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाएगा। मतलब मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जब कम होगा, ये सिचुएशन कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है। जो एक्सपेंशन
जो ट्रेड सर्किट के अंदर आता है, इस समय जो बढ़ती ही जो ग्रोथ है, जो नेशनल इनकम के साथ साथ जो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इसी के साथ एंटरप्रेन्योर जो अपना इन्वेस्टमेंट और कई गुना बढ़ाते हैं, इसे ही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कहा जाता है। जहाँ पे प्रॉफिट मिलने की जो गारंटेड सिचुएशन होती है, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मल्टीप्लायर और भी ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है, और इसी समय इन्वेस्टमेंट करने में यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आगे आते हैं, और इसके वजह से ही इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करने की और मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे प्रॉफिट लेने की जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल मानते हैं। तो ये दो टाइप के यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे रन करते हैं, एक शॉर्ट टाइम के अंदर और एक लॉन्ग टाइम के अंदर फैक्टर्स वर्क करते हैं। जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर जो वर्क करता है, एक्सपेक्टेड डिमांड, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट आगे आने की कोशिश और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, जिसे एक्सपेक्टेड डिमांड कहते हैं। कॉस्ट एंड प्राइस सेकेंड जो यहाँ पे बनता था, ये कहता है कि जब लोग जो एक्सपेंडिचर करेंगे तब यहाँ पे रिजल्ट नहीं होता है कि कॉस्ट कितनी आती है और उसके प्राइस क्या है। जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इफ़ेक्टिव डिमांड वहाँ पे वर्क करती है, तो यहाँ पे बढ़ती हुई कॉस्ट और उसके प्राइस ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। लोग एक्सपेंडिचर और उस गुड्स को लेके उनकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। थर्ड बनता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग अपना इनकम का मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे जो कंजम्पशन करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, और बचा हुआ पार्ट यहाँ पे जो बनता है वो सेविंग बनता है। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाती है, जहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी रोल निभाती है। फोर्थ बनता है चेंज इन इनकम, लोगों का इनकम अगर चेंज होता है तो लोगों की एक्सपेंडिचर करने की जो हैबिट होती है ये भी चेंज होती है, लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लोगों की इनकम अगर चेंज होती है तो। फिफ्थ पॉइंट बनता है करंस, यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं ये किस तरह से चेंजेस होंगे इस पे एक्सपेक्ट करेंगे, तो भी ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट पर हमारा पॉइंट बनता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को जानते हैं और उनको पता चलता है कि अगर इस सिचुएशन में हम और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे आने वाला प्रॉफिट हमारा और भी कई गुना होगा, तो ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंटरप्रेन्योर के साथ साथ, तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। बी जो बनता है लॉन्ग रन फैक्टर, लॉन्ग रन फैक्टर में इम्पॉर्टेंट देता है, फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हमें एक्सप्लेन करता है, जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उनके एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, और एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ साथ उस एंटरप्रेन्योर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे जो रिजल्ट है ये भी पॉजिटिवली आएगा। सेकेंड पॉइंट बनता है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एरियाज, जहाँ पे ऐसे एरियाज होते हैं, यहाँ पे ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया बट वहाँ पे से भी प्रॉफिट आने की चांसेस होते हैं इस एरिया में भी, या इस फैक्टर उस सेक्टर में भी यहाँ पे डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या रोल निभाती है ये उस एरिया को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती है। थर्ड बनता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका गुड्स एंड प्रोडक्शन लेने में भी हेल्प होती है, जहाँ पे कॉस्ट कम और प्राइस भी कम, और इससे प्रॉफिट आने वाला जो होता है ये भी ज़्यादा होता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। फोर्थ बनता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी लेने की, जो प्रोडक्शन लेने की हाई लेवल की लेने की कैपेसिटी यहाँ पे इंडस्ट्री के साथ और भी बढ़ती है। और फिफ्थ बनता है लेवल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लेवल जो है ये चेंज होता है, जहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हुआ जो इन्वेस्टमेंट है और अभी में होने वाला इन्वेस्टमेंट है, इनमें जो चेंजेस आएंगे, इस पॉजिटिव जो चेंजेस है इसे ही यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल मायने रखती है। तो इस तरह से ये इन शॉर्टली और लॉन्ग रन फैक्टर किस तरह से होता है इम्पॉर्टेंट, जो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को एक्सप्लेन करता है। जो थर्ड पॉइंट में हम जाते हैं वो है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर
इस कॉन्सेप्ट को जो केन्स ने यहाँ पे डेवलप किया था। मल्टीप्लायर हमें कहता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, न्यूमेरिकल कोऑफिशिएंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन टोटल नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। यहाँ पे कहा जाता है कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से इनकम में होने वाला जो चेंज होगा, जो पॉजिटिवली दिखाई देगा, इसे ही मल्टीप्लायर कहा जाता है। मल्टीप्लायर को यहाँ पे के इज इक्वल 1/(1-MPC) कहा जाता है। जो लोग हैं उनकी जो इनकम में से जो कंजम्पशन करने के बाद उनकी जो इनकम, जो एक ऐसा पार्ट जहाँ पे सेविंग को यहाँ पे रखते हैं, ये सेविंग ही लोगों की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को ही यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। तो इन शॉर्टली हम कहें कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में जो चेंज आएगा, इसे ही मल्टीप्लायर कहते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि हमने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट में चेंज किया और हमारा जो इनकम है ये 100 करोड़ यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं इन्वेस्टमेंट में, तो उसके बतौर हमें इनकम में 200 यहाँ पे करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, तो ये चेंज मल्टीप्लायर कई फोल्ड हमें जो रिजल्ट देता है, इसे ही मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये मल्टीप्लायर ने वर्क किया 2-फोल्ड, 2 गुना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर विद रेफरेंस टू द इंक्रीज इन टोटल इनकम डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली एज द रिजल्ट ऑफ द ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम। जो मल्टीप्लायर इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे केन्स जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो उसके रिजल्ट पॉजिटिवली इनकम में भी चेंज आएगा, और यही पॉइंट इन तीनों में, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, मार्जिनल इफिशेंसी ऑफ कैपिटल और मल्टीप्लायर, इन वजह से ही यहाँ पे बिजनेस साइकिल के अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं। इस डायग्राम के साथ जो डायग्राम फर्स्ट है जो एक्सप्लेन करता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, जो इम्पॉर्टेंट रोल देती है बिजनेस साइकिल के अंदर, जो वेरिएशन है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। जो यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये एक्सपेक्ट करती है प्रॉफिट जो न्यू इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ही होगा, और एंटरप्रेन्योर की जो एक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की वजह से ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे उसकी एक्सपेक्ट करता है कि मैक्सिमम लेवल की प्रॉफिट इनकम ले। तो यहाँ पे जो मेजर रोल है बिजनेस साइकिल के अंदर, ये एक्सपेक्ट करता है मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेना जो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये फ्लक्चुएशन होते हैं एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट को लेके। जो केन्स कहते हैं कि इनकम एंड आउटपुट इज़ डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पे इनकम भी बढ़ेगा और आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंट क्या होगा, तो इसमें सिचुएशन होती है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। अगर इन्हें जो MEC है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इनमें अगर रेज कर दिया जाए, ये बढ़ेगा तो ही एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट बढ़ने से उस कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है। तो ये किस तरह से बढ़ेगी और इसकी क्या यहाँ पे सिचुएशन होती है, ये हमें इस बढ़े हुए डायग्राम के साथ ही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एक्सप्लेन करता है, जो इम्पोर्टेंट रोल केन्स की थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को एक्सप्लेन किया गया है। इस सिचुएशन में हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये OI0 तक ही है, जो यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करता है, और हमारा इंटरेस्ट रेट और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, जो इंटरेस्ट रेट हमें OR यहाँ से ही हमें इंडिकेट करता है। जो हमारी फर्स्टली सिचुएशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे E0 यही देता है, बट
जब एंटरप्रेन्योर ये मैक्सिमम लेवल की एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉफिट लेने की वजह से ही यहाँ पे और भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ही जो बड़ी हुई इन्वेस्टमेंट है, प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट और अभी की करेंटली जो इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है पॉजिटिवली, ये बढ़ने वाली जो इनकम है इस इनकम को ही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेने की जो एक्सपेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर, इसे ही इम्पोर्टेंट रोल देती है। जहाँ पे अभी एंटरप्रेन्योर ओ आई वन इतनी इन्वेस्टमेंट करता है और इंटरेस्ट रेट तो उतना ही है, बट उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा है। इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो उसका फर्स्टली जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व जो आई ए है ये इंडिकेट करता है ई ज़ीरो, बट इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से ही जो एडिशनल और भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट लेने की वजह से, तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व आगे की तरफ जाता है, जो ई ज़ीरो से ई वन नया इक्विलिब्रम ई वन यहाँ पे इंडिकेट करता है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी फर्स्टली जो प्रीवियस ईयर का था ओ आई ज़ीरो और अभी ओ आई वन जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ जो यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है प्रॉफिट लेने की वजह से, बट इंटरेस्ट रेट और मार्जिनल इफिशियंसी यहाँ तक ही आर तक इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आर तक ही इंडिकेट करता है। बट ये जो चेंजेस हुआ है आई ज़ीरो से आई वन, ये जो इक्विलिब्रम चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ इक्विलिब्रम ही यहाँ पे इंडिकेट करता है प्रॉफिट लेने की वजह से ही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये चेंज हुई है। तो यहाँ पे आगे जाता हुआ जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये आई बी तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है, जो इंडिकेट करेगा इक्विलिब्रम ई वन पॉइंट से। तो यही सिचुएशन मार्जिनल इफिशियंसी यहाँ पे हमें जो फ्लक्चुएशन है बिजनेस साइकिल के अंदर यहाँ पे हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमें मिलेंगे जो यहाँ पे हमारा बिजनेस साइकिल का फ्लक्चुएशन है इकोनॉमी का, ये जो सर्कल है किस तरह से साइकिल जब चलता है तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस से हमें पता चलता है कि फ्लक्चुएशन कंडीशन किस तरह से होती है, जो हमने उसके स्टेजेस जो देखे थे एक्सपेंशन पीक रिसेशन डिप्रेशन ट्रॉट रिकवरी, इन छः यहाँ पे कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि एक्सपेंशन कब होगा, जब यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल इनकम जब बढ़ती है, तो ये एक्सपेंशन जो यहाँ पे इक्विलिब्रम पाथ को यहाँ पे ये लाइन एक्सप्लेन करती है। इक्विलिब्रम पाथ से ऊपर का पॉइंट यहाँ पीक तक जाने वाला जो एक्सपेंशन है, ये जो ग्रोथ बढ़ता है, ये ग्रोथ बढ़ने के टाइम पे ही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये भी इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा करती है, जो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट में चेंज जो आया, यही चेंज यहाँ पे एक्सपेंशन होती हुई जो बिजनेस साइकिल के टाइम पीरियड का यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये कब तक जाएगी, पीक पॉइंट तक ही जाएगी, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे नेशनल जो इनकम है ये बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जो कंट्री की जो नेशनल इनकम है एक ऐसी लेवल तक जाके पहुँचती है जहाँ पे स्टेबल होने तक जाती है पीक पॉइंट तक। यहाँ पीक पॉइंट तक आप उसकी जो मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है पूरी तरीके से हुई है, और ये पीक पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे रिसेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे रिसेशन जब स्टार्ट होता है तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये डाउनफॉल स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये कम होती हुई दिखाई देती है। जो एंटरप्रेन्योर रिसेशन और डिप्रेशन इस सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टमेंट कम करने की ही कोशिश करता है, क्योंकि इससे आने वाला जो रिजल्ट है ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इससे आने वाला रिजल्ट ये लॉस ही होगा। तो यहाँ पे मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कम होता हुआ दिखाई देता है, मीन्स यहाँ पे जब एक्सपेंशन होता है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मार्जिनल इफिशियंसी बढ़ता है, और यहाँ पे जब पीक के पॉइंट के बाद जब ये पार्थ यहाँ पे डिक्लेन करता है तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल यहाँ पे डिक्लेन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस सिचुएशन से गुजरते हुआ यहाँ पे डिप्रेशन, फिर उसके ट्रॉट और रिकवरी के बाद फिर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन रिकवरी के बाद एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे ग्रोथ होती है, और जो मल्टीप्लायर के साथ यहाँ पे इफेक्ट करेगा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ये एक्सपेंशन कंडीशन में ही इम्पोर्टेंट अपना रोल देती है। तो इस तरह से हम देखें जो किस तरह से केन्स ने अपने इस बिजनेस साइकिल में यहाँ पे फ्लक्चुएशन के साथ साथ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को इम्पोर्टेंट दिया, बट कई इकोनॉमिक्स
यहाँ पे इस थेरी को, केन्स के इस मॉडल को, या हम कहें बिजनेस साइकिल को क्रिटिस करते हुए ही हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्रिटिस दिखाई देता है इस तरह से। फर्स्टली है, अज्यूम किया गया है एक्सपेंशन हेल्प विद द मल्टीप्लायर। जो एक्सपेंशन यहाँ पे कंडीशन बिजनेस साइकिल के अंदर होती है, ये मल्टीप्लायर की वजह से ही यहाँ पे रेज करती है और इम्पोर्टेंट देती है। जहाँ पे मल्टीप्लायर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल केन्स यहाँ पे मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सेलरेटर और अदर भी यहाँ पे फैक्टर होते हैं जहाँ पे इसे एक्सपेंशन कंडीशन को लेती हुई इकोनॉमी को और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रिजल्ट देते हैं, इसे इग्नोर किया गया है। बट यहाँ पे मल्टीप्लायर को पूरी तरीके से यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इग्नोर किया गया है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे बढ़ती हुई लोगों की डिमांड को लेके लोगों की कंजम्पशन बढ़ती है, तब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसे किन्स द्वारा इग्नोर किया गया है, जो सही तरीका नहीं माना जाता। थर्ड है, इग्नोर किया गया एक्सेलरेशन इफेक्ट को। एक्सेलरेशन इफेक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल देती है जहाँ पे जो केन्स ने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर को ही इम्पोर्टेंट दिया है, बट सैमुएलसन हो, हिक्स हो, इन्होंने मल्टीप्लायर के साथ साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट फ्लक्चुएशन आने के लिए इम्पोर्टेंट रोल अपना देता है, ये मानते हैं। बट केन्स अपने इस सिचुएशन में, या हम कहें उनकी इस थ्योरी में, एक्सेलरेशन को इम्पोर्टेंट रोल नहीं मानते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, फोकस किया गया है इंटरनल कॉज ऑफ द ट्रेड साइकिल। इंटरनली जो फैक्टर होते हैं इसको यहाँ पे हम एक ऐसे लेवल तक यहाँ पे यूज़ करने के साथ साथ हम ट्रेड साइकिल में फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट केन्स मानते हैं। बट इन्होंने जो एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं इनको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं माना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, फेल टू एक्सप्लेन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रोल इन साइकिल। केन्स ने जो यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जो एक्सप्लेन किया है, ये पूरी तरीके से पूरी ये रिजल्ट यहाँ पे इसका क्या रोल है और किस तरह से ये इम्पैक्ट करती है बिजनेस साइकिल के अंदर, ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में केन्स फेल होते हैं, ऐसे कई इकोनॉमिक्स मानते हैं। जो उसका रोल क्या है, इसकी किस तरह से चेंजेस होते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट अदर फैक्टर को होता है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इम्पोर्टेंट रोल देती है, जहाँ पे केन्स ने इसको इम्पोर्टेंट माना है, ये एक्सप्लेन करने में केन्स फेल होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इग्नोर किया है गया है इम्पोर्टेंट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट को। केन्स ने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, इनका इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है। जो बिजनेस साइकिल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, फोकस ऑनली प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। केन्स ने यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल की लेने की जो कोशिश यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के साथ किया जाता है, इसको ही इम्पोर्टेंट दिया है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन होने की वजह उन्होंने प्रॉफिट को ही माना है, जो अदर फैक्टर को इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया है नो टाइम लैग इन मल्टीप्लायर प्रोसेस को। जब मल्टीप्लायर प्रोसेस जब कंप्लीट करता है, तब टाइम लैग यहाँ पे सिचुएशन नहीं होगी, जहाँ पे नेशनल इनकम को बढ़ने में जो सही तरीका नहीं माना जाता है। बट मल्टीप्लायर का जो रिजल्ट आता है, उसके जो प्रोसेस होते हैं, उसके बाद टाइम लैग भी ये सिचुएशन हो सकती है, इसे केन्स ने यहाँ पे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया कांस्टेंट एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कांस्टेंट माना है, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया कांस्टेंट प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस गुड्स के जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कोई भी गुड्स के प्राइस नहीं बढ़ते हैं, कांस्टेंट माना गया है, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया क्लोज इकोनॉमी। केन्स ने अपने इस कॉन्सेप्ट में क्लोज इकोनॉमी को मानते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस सिचुएशन को उन्होंने पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है, जो क्लोज इकोनॉमी रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अज्यूम किया गया है फुल कंपटीशन इन इकोनॉमी। केन्स मानते हैं कि कंपटीशन फुल कंपटीशन के लेवल में यहाँ पे इकोनॉमी वर्क करती है। जो कंज्यूमर है, जो गुड्स बेचने वाले हैं, इनको पूरी तरीके से फुल कंपटीशन और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जो रियलिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द शॉर्ट रन पीरियड। केन्स की जो थ्योरी है, जो
कई प्रॉब्लम को शॉर्ट रन पीरियड के अंदर ही एक्सप्लेन करती है, बट लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में केन्स फेल होते हैं। और हमारा लास्ट जो पॉइंट बनता है वो एक्सप्लेन करता है थेरी एक्सप्लेन अबाउट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। केन्स की जो थेरी है ये थेरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यहाँ पे सपोर्ट करती है, बट एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ पे जो सेक्टर होते हैं इनको ये थेरी एक्सप्लेन करने में फेल होती है, बट ये थेरी सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो इस तरह से हमने जो थर्ड यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल के अंदर जो थेरी थी केन्स की ये भी कम्प्लीट की है, जहाँ पे हमने सैमुएलसन, हिक्स और केन्स इन तीनों का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिजनेस साइकिल के अंदर क्या होता है ये हमने एक्सप्लेन किया है। आने वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कार्डोर का बिजनेस साइकिल और गुडविन का बिजनेस साइकिल किस तरह से वर्क करता है, और बिजनेस साइकिल के जो कंट्रोल्स होते हैं इनको किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले तीन टॉपिक हम आने वाले बिजनेस साइकिल के थेरीज ऑफ बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।